बाजू ला लाना है। उससे आगे कोई रोड नहीं है ना, भैया जाने नहीं दिया उधर आगे, उन्होंने मना कर दिया। तो भैया अपनी जा आ गई है, तो ये रेडी हो गई है जा। ये सत्तू है, सत्तू सत्तू है ना, ये सत्तू और चीनी के साथ जा पीते हैं। भैया ब्लॉगर की लाइफ ये होती है। अभी हम एक जगह है रिया बग्गर करके, तो वहाँ रुके हुए हैं। ये पानी ऊपर से आ रहा है, लेकिन जब ये पानी ऊपर से आता है ना, तो पता नहीं कैसे अपने आप ये सीधे शिवलिंग में गिरता है। बर्फ में ये पूरा एकदम अमरनाथ जी का जैसा रूप ले लेता है। तो बोलो सब मिलके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। ये नजारा है उत्तराखंड का, बट ये सब देखने के लिए आपको नैनीताल या मसूरी नहीं आना पड़ेगा। ये सब नज़ारे देखने के लिए आपको आना पड़ेगा उत्तराखंड के लास्ट बॉर्डर पे, जैसे कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और यही सब नज़ारे देखने के लिए मैं निकल गया था अपने नैनीताल से सीधे चमोली डिस्ट्रिक्ट, और जिस जगह पे मैं पहुंचा था वो था नीति वैली। भैया चाय। थैंक यू सो मच। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। इस समय हम हैं अभी नीति, और नीति में सुबह के बजाय लगभग लगभग 6 बज गए हैं। और यहाँ का जो मौसम है मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि बाहर तो मौसम हो रहा है चाय पीने वाला। आराम से बाहर बैठो और बढ़िया से यहाँ से सामने का नज़ारा लो, और सामने का जो नज़ारा है कुछ ऐसा है। कितनी अच्छी वैली है, और चारों तरफ पहाड़ है, तो ऐसा कुछ नजारा है नीति वैली का। तो फिलहाल अभी हमारा प्लान ऐसा, फ्रेश वगैरह होते हैं, नहाओगे भी क्या, नहाना करोगे ठंडे में? वही होगा ना, हाँ शिवालय में, अच्छा। तो भैया हम यहाँ नहाना धोना नहीं करेंगे अभी, क्योंकि जो जहाँ हम जा रहे हैं ना मंदिर शिवालय, वहाँ पे बूंदे गिरती है पानी की, तो आप स्नान कर लिया के बराबर होता है अगर इसकी बूंदे आपके शरीर पे गिरती है। जा तो मैंने नहीं पिए, जा ट्राई तो करेंगे ना, 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 क्यों चाय होती है, चाय कहाँ हुई, जा चाय हुई क्या हुई, चाय नमक वाली चाय, नमकीन चाय, हाँ पी सकते हैं नमकीन। मैं सोचा था वो जो क्या कहते हैं अपना बंदी है, जान 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 सोचा था मैं, तब मैंने मना कर दिया। तो जो यहाँ की पहाड़ी चाय होती है उसे कहते हैं जा, जा ये तो बनती है, किस चीज से बनती है, मतलब बॉर्डर एरिया पे ही मिलेगा। बॉर्डर मतलब ऐसा कह लो कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ बर्फ गिरती है ऊपर, वैसे इलाके में बनाई जाती है, क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत गर्म होती है। तो भैया अपनी जा आ गई है, तो ये रेडी हो गई है जा। ये ना आप देखोगे ये दिया है कांस के बर्तन में, और कांस का बर्तन जब मैं आसाम में रहता था तो वहाँ जो ट्रेडिशनल है, वहाँ का ट्रेडिशनल ये है कि अगर कोई मेहमान आता है तो उसको जो ग्रीट करते हैं वो कांस के बर्तन में खाना खिला के करते हैं। तो वैसे यहाँ पे जो हमने जो जा है जा वो कांस के बर्तन में पी रहे हैं, तो इसको टेस्ट करते हैं। हाँ बताओ, ये सत्तू है, सत्तू सत्तू है ना, ये सत्तू और सत्तू के साथ जा पीते हैं। सत्तू बहुत गर्म होता है, आप सिंपल भी पी सकते हैं, लेकिन सत्तू के साथ ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, सत्तू को उसमें भिगाएंगे फिर उसको ऐसे मिक्स करेंगे, और चीनी डालनी है तो चीनी भी डाल सकते हो। रुको पहले नॉर्मल टेस्ट करते हैं। टेस्टी है, हेल्दी है, पूरा घी वाला स्वाद है। हमने हल्का हल्का सत्तू डाल के इसको खाते हैं, ये तो पड़ी सत्तू इसमें, और हल्का सा चीनी डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा चीनी डाल के इसको टेस्ट करते हैं। अमित भाई बोल रहे थे कि चीनी और सत्तू डाल के तो इसका टेस्ट अलग सा हो जाएगा, तो भाई थोड़ा थोड़ा हाथ से मिक्स करना है, हाथ से मिक्स करना है, चम्मच से नहीं। तुम तो नहीं कर रहे हो, मैं पहले आपको दिखाऊंगा, तभी तो पिछले बार चम्मच हटाने वाला, पहले तुम करो, पहले करो, ना 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 मैंने करना पहले आप सर। भैया सत्तू तो यार मजा आ गया, ये ना एक्चुअली जैसे घर में मम्मी
हमारे आटे की सूजी बनाती है ना, आटे की सूजी आपने शायद खाई होगी, तो हल्का हल्का वैसा ही टेस्ट आ रहा है, और उसको खा के सीधे मुझे मम्मी की याद आई। बहुत टेस्टी है, मैंने लास्ट टाइम भी मुझे ऑफर करा था आंटी ने, जो जहाँ मैं रहता था, उन्होंने सत्तू के साथ इसको खाओ, तो मुझे लगा यार कैसा होगा, मेरे को लगा टेस्ट नहीं होगा, टेस्टलेस होगा, लेकिन यार सच में टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो अभी पहले इसको हम खाते हैं, उसके बाद रेडी हम लगभग हो गए हैं, गियर्स वगैरह पहन लिए, हेलमेट वगैरह पहनना है, उसके बाद फिर निकल जाएंगे हम आगे अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो भैया हम नीचे आ गए हैं, और नीचे उतरने के बाद अभी यहाँ जहाँ हमारी पार्किंग थी वहाँ पे अपनी बाइक का भी अपना सामान सारा लोड करते हैं। ये एक टेंट बैग है और एक बैग है जिसको लगाना है, ड्रोन रखना है, सारा अरेंजमेंट दोबारा से वापस पहले जैसा करवाला करना है। तो यहाँ पे अभी हो रहा है चेंजिंग, वो भी एकदम पब्लिक प्लेस पे, गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। एक्चुअली क्या हुआ ना, ये बूट कल रात भीग गए थे तो ये गीले हो रहे थे, तो मैंने क्या मैं अपने लिए ना एक जूते ऑलरेडी लेके आया था एडवांस में, बाई चांस अगर कहीं जाना पड़ गया, पहनना पड़ गया, तो उसके लिए जूते रखे थे, ये भीग गए। अभी हमने ट्रैक करना है, ट्रैक में ये जूते सही है, आराम से ट्रैक भी हो जाएगा और बढ़िया, तब तक ये जूते सूख भी जाएंगे। तो भैया चलते हैं यहाँ से अब आगे को, पहले ना यहाँ पे एक पास है, मतलब चेक पोस्ट है, अगर वहाँ पता करते जाके देखते, अगर जाने देते तो आगे तक जाके आते पहले, फिर उसके बाद मंदिर को जाएंगे। तो भाई अपना सफ़र शुरू होता है यहाँ से नीति से लेके गोपेश्वर तक का, और बीच में जो जो होगा आपको देखेंगे। तो चलो भाई तो नीति पास के रास्ते में हम इसलिए जा रहे हैं ना, एक्चुअली हम पता करेंगे यहाँ के जो आर्मी वाले हैं उनसे पता कर सकते हैं कि हम कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, और परमिशन कैसे मिलेगी, क्या है वो तो अभी वहाँ आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं जो ड्यूटी में बैठे होंगे उनसे पता करेंगे, इसलिए वहाँ जा रहे हैं अभी देखने का। हो सकता है वो हमको रुका दे या कुछ हमको डांटे या कुछ दें, लेकिन उधर जाके देखने में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन तो लेनी जरूरी है ना भाई। तो जैसे ही हमने यहाँ से नीति पास के लिए रास्ता लिया, थोड़ी देर बाद हमको मिल गया इंडियन आर्मी का चेक पोस्ट। उम्मीद तो नहीं थी कि हमको वहाँ से आगे जाने दिया जाएगा, पता था वहाँ से हमको लौटा देंगे, लेकिन फिर भी हम वहाँ गए, और जैसे हम वहाँ पहुँचे तो हमें इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने रुका दिया। तो कितने किलोमीटर जा सकते हैं जैसे हम आगे? आगे आप 23 किलोमीटर बस हाँ। उससे आगे नहीं जा सकते? वैसे तो आगे कुछ भी नहीं, बॉर्डर एरिया ये चौकी को आएगी, तो कोटिंग में कैन दूँ बस, उससे आगे कोई रोड नहीं है ना। नीति पास से जाते हैं, नीति पास की कितनी दूर है फिर? नीति पास भी तो है, नीति पास तो गाड़ी का रास्ता नहीं है ना। गोपेश्वर का है, मैं नहीं डालता, ठीक है सर, देखते अगर होता है अभी तो आ जाएंगे, क्योंकि फिर हमको भैया जाने नहीं दिया उधर आगे, उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं आपको पास लेके आना पड़ेगा, और पास मिलेगा या तो गमताली से या फिर जोशीमठ से। अभी हम ट्राई करते हैं, अगर अमित भाई का मन बनता है आने का, क्योंकि देखो मेरा तो बहुत दूर है, मुझे दोबारा आने के लिए 300 किलोमीटर यहाँ आना पड़ेगा, तो मैं सोचता हूँ एक बार ट्राई कर लेते हैं, पास मिल जाता है तो 40 किलोमीटर और अंदर जाके आ जाते हैं भाई, जब मौका मिल रहा है आने का तो की छोड़ना, तो पहले जाते हैं, पहले मंदिर जाते हैं, फिर पास बनवाते हैं, फिर ऑफिस आते हैं, देखते हैं अगर होता है तो। अभी हम ट्रैक कर रहे हैं यहाँ से आपका टिम्बरसेन का, और हमने अपनी गाड़ी इस तरीके से पार्क कर दी है एकदम बढ़िया से, और देखो भाई यहाँ हेलमेट जूते हेलमेट सब कुछ लगा के ऐसा कर दिया कि हमारा छोटा सा घर है, अब ये घर को यहीं छोड़ते हैं और चलते हैं आगे अपना टिम्बरसेन के रास्ते पे। टिम्बरसेन का रास्ता कहाँ से? आगे से भी है ना, चलो भाई। तो अभी जो हम चल रहे हैं अपना रास्ता जो मंदिर का रास्ता है ना, मंदिर के रास्ते के साइड से नदी बहती है, ये धौली गंगा नदी है, और इसका पानी कहते हैं बहुत मीठा पानी है। चलो अभी वापसी में आके देखेंगे, ये ग्लेशियर से आता पानी है तो ऑब्वियसली मीठा और ठंडा दोनों होगा, तो शॉर्टकट लेते हुए चलो आगे। अभी तो आदत खराब हो गई, एक तो लोड इतना है ना, चलने में दिक्कत हो रही, सांस फुल जा रही है,
दो बार पानी पी गया हूँ, थोड़ा सा ट्रैक बाकी है, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ये पानी आ रहा है नीचे से, और मतलब पहाड़ों के अंदर से पानी आ रहा है, ऐसा स्रोत, इसे कहते हैं स्रोत, स्रोत का पानी, जो पहाड़ों के अंदर से पानी आता है उसे स्रोत कहते हैं। ये पानी जाके नीचे नदी में मिल जा रहा है, और वो भी तो ठंडा पानी है ना। पानी पे छोड़ा वो दिखाओ ना सबसे टॉप, वो देखो वो हमारी इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट, वो टॉप में बैठे हैं, देख पा रहे हो वहाँ तक। अरे भाई साहब चेक पोस्ट है यहाँ पे इंडियन आर्मी के। तो हमारी आर्मी ना चारों तरफ से इस एरिया की सिक्योरिटी करती है, क्योंकि चाइना बॉर्डर है तो इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे आपको बहुत जगह पे स्नाइपर्स मिल जाएंगे चेक पोस्ट पे, और हमारे इंडियन आर्मी के जवान हमेशा ड्यूटी देते हैं इस लोकेशन पे। फिलहाल हमारा मंदिर आने वाला है, बस सामने दिख रहा है, अब 5 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है, 5 किलो या 10 किलो, क्योंकि पहाड़ में दिखता तो है, पास होता दूर है, दिख रहा है तो पहुँच भी जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर, हर हर महादेव। तो फाइनली पहुँच गए, वो रहा सामने मंदिर, और देखो कैसे वहाँ धाराएं बह रही है, वहाँ पर है शिव मंदिर, बस थोड़ा सा रास्ता और बचा हुआ है। फाइनली हम पहुंच गए मंदिर के पास, और यह है सामने जहाँ पे आपका भोलेनाथ जी का मंदिर। तो भोलेनाथ का बुलावा था तो हम आ गए। ये गुफा टाइप है, देखो ये पूरे चूने के वो बन गए हैं, इससे जो पानी टपकता है ना उससे चूना बन के खड़िया बन गई है। तो यहाँ से आगे मंदिर है, तो वो है सामने महादेव का मंदिर, यहाँ है हमारे नंदी महाराज, और सामने है भोलेनाथ जी का मंदिर। ये देखो पानी दिख रहा है, तो ये सब, इसको अमरनाथ इसलिए कहते हैं, छोटा अमरनाथ इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि जो बरसात में पानी जो वे पानी से बह रहा है ना, ये पानी ठंड के टाइम पे पूरे बर्फ के शिवलिंग टाइप बन जाते हैं, सैकड़ों शिवलिंग इसमें बन जाते हैं, इसे इसे कहते हैं छोटा अमरनाथ। तो जब वो मंदिर पे आओगे ना, तो आपको मंदिर पे इस तरीके से स्रोत पानी जो है ऊपर से, ये पानी ऊपर से आ रहा है, लेकिन जब ये पानी ऊपर से आता है ना, तो पता नहीं कैसे अपने आप ये सीधे शिवलिंग में गिरता है। तो हमारे भोलेनाथ जी के ऊपर ये पानी आता है, और इसी में बन जाता है आपका छोटा अमरनाथ, इसलिए इस जगह को कहते हैं आपका छोटा अमरनाथ। बर्फ में ये पूरा एकदम अमरनाथ जी का जैसा रूप ले लेता है। तो भैया हम धन्य है कि भोलेनाथ जी ने हमको यहाँ बुलाया, अपना आशीर्वाद दिया, और हमको अपना आशीर्वाद हमेशा बनाया जाता है भगवान, हमेशा बनाया जाता है। तो बोलो सब मिलके, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। तो फाइनली नीचे आ गए हम, मंदिर से दर्शन कर लिए थे हमने, दर्शन करके सीधे नीचे आए, और उसके बाद अभी जूते बदलता हूँ, पहले तो यारे जूते बैग में रखता हूँ और वाले जूते पहनता हूँ बूट। उसके बाद अभी हमारा क्या प्लान है, अभी हम थोड़ी देर रुकेंगे, अपना नेट में वीडियो अपलोड करने के डालते हैं, उसके बाद सीधे मलारी, मलारी के बाद सीधे रहेगा हमारा गोपेश्वर, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, एक बार बस खाना खाने के लिए तो पवन में रुकेंगे, और कहीं नहीं। शाम में 6 बजे तक तो हम पहुँच जाएंगे, क्यों भविष्य बद्री, हाँ मतलब 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे हम, 6-7 बजे लग जाएगा हमको पहुँचते पहुँचते। फिलहाल चलते अभी, हम पंपा पे रुके थे, और पंपा पे ना हमको एक लोकेशन मिली थी जहाँ से हम ड्रोन उड़ा सकते थे, क्योंकि बहुत सारी लोकेशन ऐसी जहाँ पे हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते। तो अभी हमने एक ड्रोन शॉट लिया है, तो इसको चेक करो गाइस, 1 2 3 गो।
कैसा लगा शॉट? आया नहीं आया मजा? एक नंबर शॉट है ना। तो भाई ऐसी लोकेशन जहाँ हम गए हुए हैं और आपको ऐसी लोकेशन घूमनी है ना, तो अपने दोस्तों के वीडियो शेयर करो और उनको बोलो भैया चलो इस रोड ट्रिप पे, मज़ा आ जाएगा भाई मज़ा। फिलहाल अभी हम चलते हैं आगे एक लोकेशन पे जहाँ पे आप अपनी वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वीडियो अपलोड करने में। थोड़ा सा 7-8 किलोमीटर नीचे जाएंगे जहाँ पे नेटवर्क है। चले भाई जी चलो। भैया ब्लॉगर की लाइफ ये होती है। अभी हम एक जगह है रिया बग्गड़ करके, तो वहाँ रुके हुए हैं और इस तरीके से हमने अपना सामान रखा। पीछे देखो बाइक रखी है। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं ये क्वेश्चन है ना। तो अभी फ़िलहाल हम अभी अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि कल जहाँ हम थे नीति वैली वहाँ नेटवर्क नहीं होते, वहाँ आपको कोई एक सी BSNL का टावर मतलब BSNL के नेटवर्क आते हैं, बाकी किसी के नेटवर्क नहीं आते। तो कल हम कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, तो फिलहाल अभी यहाँ पर अभी हम नेट अच्छा आता है तो वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो भैया हम फिर से रुक गए हैं, आज हम रुक ही रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास इतना मतलब लाइट्स है। कल तो बारिश थी हम कहीं रुक नहीं पा रहे थे, आज लाइट्स है तो मतलब हमको अच्छे लोकेशन का जो मज़ा मिलता है ना वो ले रहे हैं, हम इस लोकेशन का मज़ा ले रहे हैं। तो ये सामने गांव है मलारी गांव। और अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे बैठेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद भी बढ़ेंगे आगे। फिलहाल अभी एक और ड्रोन शॉट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि इस लोकेशन पर ड्रोन शॉट तो बनता ही है। तो फिर से 1 2 3 गो। तो कैसा लगा शॉट? आया मजा? तो यही बात है, इसीलिए मैं यहाँ आया था कि ये लोकेशन इतनी प्यारी है ना, है इसलिए मैं इस भाई को लेके आया था कि ड्रोन उड़ाएंगे तो यही उड़ाएंगे। और शॉट भाई इतने बढ़िया शॉट्स है ना, आपको शायद पसंद आ गया शॉट, और पसंद आया तो दोबारा से शेयर करो भाई। और फिलहाल अभी हम चलते हैं यहीं पास में जहाँ हमने कल चाय पी थी, वहाँ चाय पीते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे को। आज हमको पहुँचना है भविष्यपति, भविष्यपति से गोपेश्वर। तो भाई चले ना, चले चलो भाई। तो भैया अभी हम पहुंच गए हैं मलारी के इस गांव में, मतलब मलारी गांव में पहुंच गए। तो हमारे भाई हैं जिनके रेस्टोरेंट में हमने कल भी चाय पी थी और आज मैगी खा रहे हैं, सॉरी चाउमीन खा रहे हैं। तो मैंने चाउमीन ऑर्डर कर दिया था, भूख लग रही थी यार बहुत दिन से, सुबह से खाया नहीं था। तो सुबह हमने वो क्या कहते हैं अपना चाय पी थी, चाय पी थी और उसके साथ हल्का सा सत्तू खाया था। अभी तो यहाँ पे छोटी सी टपरी है, आने वाले टाइम पे देखना है यहाँ होम स्टे बनने वाला है, बहुत बढ़िया वाला होम स्टे, 3 मंजिला होम स्टे बनने वाला है। उस टाइम हम स्पॉन्सर्ड ही रहेंगे, चिंता मत करो। फिलहाल मैगी खाते हैं। GoPro में ना सनी यही दिक्कत है कि अगर आप वीडियो बनाओ ना उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आ ही जाती है। एक एक घंटे की वीडियो बनी थी, एक घंटे की और एक दूसरी आधे घंटे की वीडियो, और उसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है, बस वो एक फ़ोटो आ रही है बस हो गया, पूरा का पूरा डाटा खत्म, पूरा का पूरा बैटरी खत्म। फिलहाल मैंने वीडियो डिलीट कर दिया है और ऐसे चल रहा भाई, क्या करें, जब होना होता है ना तो होना होता हो ही जाता है। फिलहाल अभी यहाँ से हम जल्दी जल्दी पहुँचते हैं क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, और टाइम पर अगर पहुँच जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रोड ख़राब है तो गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। 8 बजे से पहले हम गोपेश्वर नहीं पहुँचेंगे, और यहाँ से अभी जोशीमठ लगभग 10 किलोमीटर है, तो जल्दी से 10 किलोमीटर ये पार करते हैं। तो जोशीमठ से सीधे हम पहुंच गए पीपलकोटी, और बीच में ना आपको पता ही कल रास्ता आपने देख लिया था, परसों रास्ता देख लिया था कितना खतरनाक हो जाता है रास्ता, टूटा फूटा या वो, और रात में तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि दिखता नहीं होता अच्छे से। फिलहाल अभी पीपलकोटी में हम चाय पी रहे हैं और समोसे खा रहे हैं। ब्लॉग इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि चक्कर क्या हो गया ना, जो मेरा मैक्स है GoPro मैक्स वो पता नहीं वहाँ नीति से ही चल नहीं रहा था, तो दिक्कत ही कर रहा था, अभी भी दिक्कत ही कर रहा है, इसलिए कुछ ब्लॉग नहीं बन रहा। तो वैसे ही ब्लॉग लंबा हो गया था, फिलहाल अब फिर चलते हैं घर को चाय पीने के बाद, यानी घर यानी अमित भाई के घर। तो अमित भाई के घर मतलब तुषार भाई के घर। तो आज इनके घर पर रुकते हैं, पहुंचते अभी 1 घंटे में पहुँच जाते हैं, फिर वहीं जाके इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अमित भाई के घर गोपेश्वर, और रात के बज गए 9। बहुत अच्छी मतलब जो स्पीड थी ना अभी रात में वो बड़ी अच्छी रही, रात की जो पीपलकोटी से हम चले थे ना, बीच में जैसे ही हम पीपलकोटी से चले वैसे ही बारिश आ गई थी बहुत तेज, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर का ही था, 1.5 किलोमीटर का बारिश था। उसके बाद पूरी सूखी रोड, और उसके बाद जो गाड़ी चली है
सीधे रुकिए तो यहीं रुकिए। तो चलो फाइनली घर पहुंच गए। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। होप सो आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। कल मैं चलूँगा लोनी के लिए गोपेश्वर से। तो मिलते हैं आपको बिल्कुल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।